न्यू 2023 के रिजल्ट जो है फाइनली आ चुके हैं सबकी रैंक आ चुकी है एंड न्यू ट्वेंटी का रिजल्ट देखने के बाद सबके जो है हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि रैंक जो है बहुत ज्यादा शूट अप हो रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया था टॉप टेन कॉलेजेस के बारे में एवरी स्टेट के बारे में महाराष्ट्र के बारे में मैंने बना दिया था अब जो है आज मैं यूपी के बारे में बताने वाली हूँ कि वहाँ के टॉप टेन कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिसको आप प्रिफर कर सकते हैं एवरीवन दिस इज आशना परवीन स्टूडेंट सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट आईजीजीएमसी नागपुर तो कॉलेज जब आप लोग प्रेफरेंस अपने लिस्ट बना रहे होंगे आप तो प्रेफरेंस लिस्ट में समझ में नहीं आता स्टार्टिंग कहाँ से करनी है तो सबसे पहले स्टार्ट करना होता है टॉप कॉलेजेस से टॉप कॉलेजेस कहीं के भी हो आपको सबसे पहले लिस्ट में उन्हें ही डालना है देन उसके बाद आपके स्टेट के जो टॉप कॉलेजेस हैं उन्हें प्रेफर कीजिए क्योंकि वो ज्यादा बेटर होता है कहीं और बाहर जाने से फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आपका कॉलेज का स्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है वहां पे सारी फैसिलिटीज हैं या नहीं है वहां का हॉस्पिटल कैसा है जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है देन उसके बाद वहां के रहने की फैसिलिटीज कैसी हैं तो इन सब पॉइंट्स को कवर करते करते आपको अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है यही सब पॉइंट्स को कवर करके मैंने भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो थी बनाई थी तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी के कॉलेजेस के बारे में मैं बता देती हूँ मैं रैंक जो है न्यू ट्वेंटी ट्वेंटी टू का कट ऑफ भी इसमें बताऊंगी एंड जनरल कैटेगरी का मैं ओपन ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है वो मैं बताऊंगी क्योंकि स्टेट कोटा का कट ऑफ मेरे पास नहीं है सबसे पहला कॉलेज आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बी वाराणसी में जो की है एंड बहुत ही टॉप का कॉलेज है ये और मतलब वहां पर इसे ज्यादा इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है तो इसमें क्या है आपको पीजी कोटा जो फिफ्टी परसेंट जो है इंटरनल कोटा मिल जाता है पीजी के लिए एंड इसमें जो है स्टेट कोटा नहीं है इसमें हंड्रेड परसेंट जो है ऑल इंडिया कोटा से ही सीट फिल होती हैं इसका कट ऑफ था टू ऑल इंडिया रैंक एंड ये स्टेबलिश हुआ था नाइनटीन में तो काफी पुराना कॉलेज है सेकेंड नंबर पे आ जाता है आपका जे अलीगढ़ जो कि अलीगढ़ एमयू यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा उसके अंदर जो मेडिकल कॉलेज आता है वो भी काफी अच्छा कॉलेज है क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है इसलिए इंटरनल कोटा भी है वहां पर पीजी का इसके भी जो सारी सीट है हंड्रेड परसेंट ओपन कोटा लेकिन इसमें यह है कि जो इंटरनल कोटा होता है जिसने इलेवेंथ ट्वेल्थ एमयू से कर रखा है उन्हें फिफ्टी कोटा यहाँ का मिल जाता है इसका जो कट ऑफ है दैट इज सिक्स ऑल इंडिया रैंक पे इसका क्लोज हुआ था ये मोपा राउंड का मैं बता रही हूँ थर्ड नंबर पे कॉलेज आता है के लखनऊ जो की बहुत ही फेमस कॉलेज है टॉप कॉलेज इसका जो कट ऑफ था वो था ऑल एंड इसके फीस अगर बताऊँ तो फिफ्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फीस फोर्थ नंबर पे आ जाता है आर एम एल लखनऊ आर एम एल लखनऊ बहुत पुराना कॉलेज नहीं है टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन में ही स्टैब्लिश हुआ लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस इसको दिया जाता है क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है इसका ऑल इंडिया कट ऑफ था फाइव एट नाइन थ्री मोपअप राउंड का और इसके जो फीस है वो भी बहुत कम है दैट इज एटीन थाउजेंड पर ईयर इस वजह से और भी ज्यादा इसे प्रीफर किया जाता है फिफ्थ नंबर पे है जीएसबीएम कानपुर ये स्टेब्लिश हुआ था 1955 में एंड इसका जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है वो ऑल इंडिया रैंक 7540 एंड के जो एनुअल फीस है वो 36,000 पर ईयर यहाँ की फीस है इसके बाद आ जाता है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद इलाहाबाद सिटी की वजह से ज्यादा इसे प्रेफरेंस दिया जाता है कट ऑफ इसका भले ज्यादा गया हो लेकिन मतलब प्रेफर आप कर सकते हैं इलाहाबाद को भी जाने के लिए अगर आप यूपी में जा रहे कानपुर तक तो सारे टॉप कॉलेजेस हो गए उसके बाद एक ऐसा लेवल आ जाता है ना कि आप जैसे इलाहाबाद हो गया फिर आपका नोएडा का कॉलेज हो गया आगरा हो गया तो ये सब सिटीज जो है सब सेम उसमें आती हैं। तो आप कोई सा भी प्रिफर करके ले सकते हैं कॉलेज तो उसमें कोई भी डिफरेंस ऐसा पढ़ाई में डिफरेंस ऐसी नहीं आएगी एंड इलाहाबाद के कॉलेज का जो कट ऑफ था ऑल इंडिया रैंक ट्वेल्व फिर इसके बाद कॉलेज था एल एल आर एम मेरठ मेरठ का कॉलेज ये भी मतलब आप अपने घर के पास देख सकते हैं मतलब किसी का घर अगर मेरठ से बिल्कुल पास में है तो उसे अलावा जाने की जरूरत नहीं है वो मेरठ भी ले लेगा तो कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होगा इसका कट ऑफ था ऑल इंडिया रैंक सिक्स फाइव वन फोर इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है एस एन एम सी आगरा इसका ऑल इंडिया का कट ऑफ है एट फोर नाइन एट ऑल इंडिया रैंक एंड जो है ये नाइनटीन सिक्सटीज के अराउंड सारे जो यूपी के कॉलेजेस हैं ना ऑलमोस्ट नाइनटीन सिक्सटीज के अराउंड में ही इस्टेब्लिश हुए थे तो कॉलेजेस तो काफी पुराने हैं वहाँ के उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है जेम्स नोएडा जो कि नोएडा में है ये रिसेंटली ओपन हुआ था 2019 में बट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है एंड नोएडा में है दिल्ली से कनेक्टिविटी है इस वजह से ज्यादा इसे अप किया जा रहा है बट इसकी फीस जो है वो भी ज्यादा है एट्टी इसकी फीस है पर ईयर एंड इसका जो कट ऑफ है वो है ऑल इंडिया रैंक फाइव तो ये कॉलेज जो है इतना ज्यादा स्टेब्लिश कॉलेज नहीं है बस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिल्ली के पास है तो इस वजह से इसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है झांसी का मेडिकल कॉलेज उसका कट ऑफ था ऑल इंडिया रैंक फोर्टीन ऐसे गोरखपुर का जो मेडिकल कॉलेज है बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर वो भी झांसी के अप्रोक्सीमेटली सेम ही है तो आप लोग उसे देख सकते हैं सबसे मेन बात आ जाती है कि आपका मतलब कन्वीनियंट होना चाहिए जैसे अब आपका आगरा हो गया अलाहाबाद हो गया फिर आपका झांसी हो गया तो ये सब कॉलेजेस ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा जमीन आसमान का जैसे कि आपका के जी एम सी है तो वो तो बिल्कुल टॉप है लेकिन इन सब में बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली सेम है तो जो आपके पास में रहे वो उसे आप ज्यादा प्रेफर करिएगा तो ये सब था कट ऑफ के बारे में यूपी के कॉलेजेस के बारे में रैंक वाइज मैंने बता दिया कि नीट ट्वेंटी का कट ऑफ क्या क्या था एक वीडियो इस पर भी बताऊंगी कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने यूज किया था अपने प्रिफरेंस लिस्ट को बनाने के लिए तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए काउंसलिंग के रिलेटेड एंड नीट के रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच